नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। में हूं आपके साथ रुचिका राज। झारखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के घर पर कैश काउंटिंग का सिलसिला जारी है। जहांगीर आलम के घर से मिले हैं कैश की रकम और बता दें कि बढ़कर 40 करोड़ ये रकम हो गई है। जहांगीर आलम के घर कैश वैन लाया गया। नोट गिनने के लिए लाई गई है 5 मशीन में से एक मशीन खराब भी हो गई। जहांगीर आलम के घर के अलावा संजीव लाल के एक करीबी मुन्ना सिंह के आवास पर भी छापेमारी हुई है। पीपी कंपाउंड में चल रही छापेमारी में अब तक 3 करोड़ कैश मिले हैं और मुन्ना सिंह के आवास पर अभी भी नोटों की गिनती की जा रही है। और ये तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि ये कैश का ये खेला जो चल रहा है झारखंड में, उसे लेकर के अब ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। आज सुबह से ही रांची के 6 ठिकानों पर जो दबिश है वो दी जा रही है। फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं जहांगीर आलम, जो कि संजीव लाल के ओएसडी के जो सर्वेंट हैं और जो उनके सहायक कहा जा सकता है वो हैं। वहीं अभी भी नोटों की गिनती का काम जारी है। बता दें कि 5 जो मशीनें हैं यहाँ पर पहुंची हैं, जिनसे नोटों की गिनती का काम जो है वो किया जा रहा है। एक मशीन जो है वो नोट गिनते गिनते खराब भी हो गई है और फिर से एक बार 2 मशीनें यहाँ पर लाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो 12 बक्से जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हर चीज की जो जांच है वो कर रहे हैं। हर जो दस्तावेज यहाँ से मिले हों या फिर कैश की जो काउंटिंग है वो हर तरफ से यहाँ से की जा रही है ताकि कोई भी एविडेंस न छूटे। वहीं दूसरी तरफ जहांगीर से भी लगातार पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है ताकि इस पैसे का सोर्स क्या है उसकी जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आ पाए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। झारखंड कैश कांड पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि इनकी लूट रोकता हूं तो गाली देते हैं, हम जनता की पाई पाई बचाने में लगे हैं। देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। अब घर बनाने का पैसा सीधा आपके खाते में, गैस का पैसा सीधा आपके खाते में, मनरेगा का पैसा सीधा आपके खाते में, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आपके खाते में। यानी सबको लाभ, सीधा लाभ, कोई भेदभाव नहीं। और ये मोदी की गारंटी है। ईडी की कार्रवाई पर आलमगीर आलम ने सफाई देते हुए कहा है कि ईडी की छापेमारी की जानकारी नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईडी की कार्रवाई पर आलमगीर आलम ने सफाई देते हुए एक बड़ा बयान दिया, कहा है कि ईडी की छापेमारी की जानकारी नहीं है। देखिए मेरा संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएसयूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2-2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में
तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। डी का अब चल रहा है, डी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर बात करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज 18 के संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम माफ कीजिएगा, लाइव जुड़े हुए हैं और उनसे हम आगे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ इस पूरी खबर पर फिलहाल अपडेट है। क्या अपडेट है ओम प्रकाश, क्योंकि देखिए रांची में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, इससे हड़कंप मचा हुआ है, सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर जारी है, फिलहाल इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम खड़े हैं वहां पर जो कहा जा सकता है कि एक धन कुबेर का घर है, और इसी जो अपार्टमेंट में, जो सर सैयद अपार्टमेंट है, जो रेसिडेंसी है, इसी के दूसरे माले पर जहांगीर आलम का आवास है जो यहां पर रहते हैं, और उन्हीं के घर से नोटों का एक पहाड़ मिला है जिसे गिना जो जा रहा है। ईडी के अधिकारी और जो बैंक के अधिकारी हैं वो लगातार उसे गिन रहे हैं। कहा जाए तो इस नोटों के पहाड़ को गिनते हुए मशीनें भी हाँफ जा रही है, और कई मशीनें जो हैं वो 2 से 3 मशीनें जो हैं वो खराब हो गई हैं, बावजूद अभी भी 7 मशीनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, और इस कैश को जो है वो गिना जा रहा है कि आखिर ये पैसा कितना है। बताया 1 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम जो है यहाँ से बरामद हो। जो कई लोग हैं पैसों के पीछे, जो सफेदपोश लोग हैं, उनके नाम आने अभी बाकी, जो कि जहांगीर से भी पूछताछ के लिए भी कई खुलासे होने की उम्मीद है, और उनसे पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं, और ईडी का जो जांच का दायरा है वो भी बढ़ सकता है। पूरे मामले में अगर बात की जाए तो जहांगीर वो शख्स है जो कि संजीव लाल, जो एक सरकारी ओएसडी है मंत्री आलमगीर आलम के, उनके ओएसडी के जो सर्वेंट हैं उनके यहाँ काम करते हैं, कर्मी हैं, और उन्हीं के आवास से ही बड़ी रकम की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। और सीधे ले चलते हैं आपको जियारपुर, जहां पर अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार कराना है या नहीं कराना है? बिहार की सभी सीटें एनडीए को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी हाथ उठाएं, जरा विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान विजय चौधरी जी, मंत्री बिहार सरकार जनक चमार जी, मंत्री बिहार सरकार अशोक चौधरी जी, मंत्री बिहार सरकार भाजपा की वरिष्ठ नेत्री रेणु देवी जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री अनिल शर्मा जी, तरुण कुमार जी, राजेश सिंह जी, लखेंद्र पासवान जी, संजय सिंह जी, वीरेंद्र पासवान जी, जगन्नाथ ठाकुर जी, और आज के कार्यक्रम में जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो मेरे साथी मित्र आपके सांसद नित्यानंद राय जी, नित्यानंद के लिए। और आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं विद्यापति धाम, घुटनेश्वर स्थान, इसकी पवित्र भूमि को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। निरंजन स्वामी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण तिवारी जी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, आज उनको भी
प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बिहार गौरव जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी, जो इसी भूमि से आगे बढ़े, उनको प्रणाम करता हूं और मन पूर्वक उनको नमन करता हूं। भाई और बहनों, अभी अभी बिहार के वंचितों, दलितों, पिछड़ों के हृदय के नेता, हृदय से माने हुए नेता कर्पूरी ठाकुर जी को नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देकर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनाने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी ने जीवन की अंतिम सांस तक हर पल गरीब पिछड़ों का काम किया और कर्पूरी ठाकुर जी ने मैथिली भाषा को सम्मान देने की मांग की थी और अटल जी ने मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान देने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी ने। मैं जब यहां आया हूं तब मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज की सबसे बड़ी विरोधी अगर कोई पार्टी है तो ये कांग्रेस पार्टी, और आज सत्ता के स्वार्थ के कारण लालू जी ये पिछड़ा विरोधी कांग्रेस पार्टी के गोदी में बैठे। सबसे पहले देश में पिछड़ा समाज को आरक्षण देने के लिए सबसे पहली रिपोर्ट आई काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट, जिसको कभी माना नहीं गया, समाप्त कर कांग्रेस पार्टी शासन। फिर मंडल कमीशन, मंडल कमीशन को भी ठंडे बस्ते में डाला और जब मंडल कमीशन को स्वीकृति दी गई, इसका सबसे कड़ा विरोध ये राहुल बाबा जो है ना कांग्रेस के नेता, उनके पिताजी राजीव गांधी ने किया। भाई और बहनों, ओबीसी को इतने सालों से पिछड़ा, अति पिछड़ा को संवैधानिक मान्यता नहीं दी थी, नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाया और संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने नीट, मेडिकल और एम्स के दाखिलों के अंदर पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज को 27% रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, मैं जब आज यहां आया हूं तब बताना चाहता हूं, पिछड़ा समाज के आरक्षण पर डाका डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कर्नाटक में उनकी सरकार बनी, रातों रात सारे मुस्लिम समाज को पिछड़ेपन का सर्वे करे बगैर पिछड़ा समाज में जोड़ दिया और उनको 5% आरक्षण दिया। अब मुझे बताओ उजियारपुर वालों, ये 5% आरक्षण किसका कटा? मैं बताता हूं, ये 5% आरक्षण मेरे पिछड़ा समाज के भाइयों बहनों का काटकर मुसलमानों को देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। आंध्र प्रदेश के अंदर उनकी सरकार आई, 4% आरक्षण माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को दे दिया गया। किसका काटा? पिछड़ा समाज का। लालू जी, बिहार में पिछड़ा समाज के आका बनकर घूमते हो, जरा बिहार के पिछड़ा समाज को ये जो लूटमारी हो रही है पिछड़ों के आरक्षण पर, इसका हिसाब किताब देना। मगर आप चिंता मत करिएगा, मैं कह कर जाता हूं, कर्नाटक और आंध्र में जैसे ही भाजपा सरकार बनती है, ये मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों,
माइनॉरिटी को आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण, इस संविधान सम्मत नहीं है, हमें नहीं होने देंगे। और एसटी एससी ओबीसी का काट कर तो कभी नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, कितने मंत्री जोर से बोलो भाई, कितने, 27 मंत्री पिछड़ा समाज के हैं। कांग्रेस कभी डबल डिजिट में भी नहीं आती थी, परंतु ये राहुल बाबा को किसी ने पकड़ा दिया। भाइयों बहनों, आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, बिहार की जनता को पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? कल झारखंड के मंत्री के यहां से 30 करोड़ रुपया मिला, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्री, ये इंडी अलायंस का साथी, इसके 2 महीने पहले झारखंड में कांग्रेस के सांसद के यहां से 350 करोड़ रुपया मिला, इसके कुछ समय पहले ममता के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया मिला। अरे लालू जी, आप तो चारा खाकर जेल में गए थे, मगर ये सारे के सारे आपके साथी भी भ्रष्टाचार करने वाले। तो गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, लेकिन इसके साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।